तुम्हें वो टमाटर वाली चीज बता रही थी डॉक्टर बिल्किस जी, बताइए आप। देखिए आपने क्या करना है, 2 चम्मच जो है ना टमाटर का रस लेना है, 1/4 चम्मच आपने शहद लेना है, जी जी। उसमें 2 बेसन डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें तो ये ऐसी क्रीम बन जाएगी। अच्छा, इस तरह की ना जी जी। अब आप इसको क्या करेंगे, चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं क्योंकि आपकी स्किन झुलसी हुई है, तो आप इसको लगा के छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। आप रोज़ाना कर सकते हैं, और जो बच्चे धूप में जाके जिनका रंग खराब होता है उनको भी, अपने बच्चों को भी लगाओ, खुद भी लगाओ। अच्छा, नायला जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इससे होगा, क्या इससे झुलसी हुई स्किन जो धूप में जाके खराब हुई है वो सही हो जाएगी, और रंग जो है ना वो कदरे बेहतर हो जाएगा। जैसे रंग काला हो गया ना धूप में जाने से, तो नायला का रंग जो है ना सही हो जाएगा। अब आइंदा तो, अच्छा मैं भी समंदर पे गई थी, मेरे शक्ल तो कुछ नहीं हुआ, सनब्लॉक अच्छी लगाई थी, पैर में सनब्लॉक लगाना भूल गए, पैर तो ऐसे कल्लू हो गए, खबरदार शॉर्ट बनाया। अच्छा अभी और सफेद जूते पहन के आ गई आज, अजीब ही हो रहा है फिर मेरे साथ। आप ये ना लगा सकती है पाँव पे भी, पाँव पे भी लगा लो। हाँ, और नायला आइंदा सिर्फ चटनी बना के नहीं खाना टमाटर की, टमाटर का जूस बना के भी पीना ताकि रंग में निखार आए, है ना। जैसे कह रही है ना कि मैंने सबकी, हाँ सारे टमाटरों का इन्होंने चटनी बना दी, हाँ। बजाय चटनी बनाने की 2 टमाटरों का, हाँ। जूस निकालो, छिलका हटा दो, बीज, हाँ। हटा दो और शहद डाल के सुबह खाली पेट पी लो, अब खुद भी पियो बच्चों को, हाँ। भी पिलाओ, तो देखो कैसा रंग साफ होता है।